यहाँ मैंने पैन को ग्रीस करना है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूंगी। इसमें मेरे पास है 1.5 कप मैदा, 1 कप ड्राई मिल्क, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर। इन तमाम चीजों को आप अच्छे से छान लें ताकि कोई इसमें लंप ना रहे। यहाँ मेरे पास है 1 कप फ्रेश दूध की बलाई। अगर आपके पास ये बलाई ना हो तो आप इसकी जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 1 कप दूध की बलाई है जो हर घर में अवेलेबल होती है। एक कप चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अभी आप इन तमाम चीजों को हल्के से मिक्स करें, ओवर मिक्स आपने नहीं करना। यहाँ मेरे पास है 1 कप दूध। दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दिया। अभी इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। ये मैंने 3 पोर्शंस में ऐड किया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने 3 पोर्शन में ऐड किए। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध और थोड़ा थोड़ा करके ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरह से रनिंग होनी चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट